हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया रिक्रूटमेंट रेलवे गुड्स सीट्स वर्कर की तरफ से। फिर से एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ इसी के ऊपर। रेलवे में ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है आज इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो जो ग्रुप डी के पोस्ट आया है उसमें आप लोग किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हो उसी के ऊपर बात करने वाला हो। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें आप लोगों को एक एक जानकारी आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है और एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे बेसिकली 3190 के आसपास वैकेंसीज भी निकल के आया है जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। रेलवे की तरफ से ये भी एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट कह सकते हो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में मैं हूँ और यहाँ पे भी एप्लीकेशन की पूरा डिटेल भी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जिसमें आप लोग भी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो रेलवे गुड्स सीट्स वर्कर वेलफेयर की तरफ से रिक्रूटमेंट की ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें क्लियरली मेंशन किया जा रहा है वेलफेयर और ऑफिशियल जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर टाइम मेकर कीपर के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो इसमें आप लोगों को एप्लीकेशन करना होगा। अगर आप लोग इन तीनों पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने के तरीका भी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 26th of April 2023 से, जिसका लास्ट डेट दिया 25th of May 2023 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जो कि नवंबर और दिसंबर के आसपास। अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो आपको सीबीटी एग्ज़ाम उसी के टाइम के अंदर आपको जो है यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया जिसको मैं आपको एक एक करके दिखाऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली द फर्स्ट पोस्ट इज़ द जूनियर टाइम कीपर जिसमें 10th पास करने वाले यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। तो 10th पास करने वाले कोई भी कैंडिडेट अगर एप्लीकेशन करना चाहते तो इसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो जिसमें 1676 टोटल वैकेंसीज निकल के आया है एंड इनमें आपको 28,000 तक आपका सैलरी भी दिया जाएगा। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए 18 से 34 ईयर्स तक आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के साथ साथ आप लोगों को और एक बात बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो कि SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स एंड OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स तक आप लोगों को जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ये था जूनियर टाइम कीपर। अभी बात करने वाला हूँ जूनियर असिस्टेंट के लिए जहाँ पे 12th पास करने वाले एप्लीकेशन कर सकते हो एंड एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 908 वैकेंसीज है जहाँ पे 34,000 तक आपको सैलरी भी दिया जाएगा। इसके बाद आता है अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे जो वैकेंसीज निकल के आया है उसमें आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्टली यहाँ से कोई भी एक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना होगा। तो इसमें भी आप लोगों को जो है इन दोनों पोस्ट के अलावा जो और एक पोस्ट है उनमें भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो चलिए उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो लास्ट पोस्ट यहाँ पर निकल के आया है अगर इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो तो बेसिकली आपको जो है 606 वैकेंसीज है, 40,000 तक आपको सैलरी एंड यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो वो आपको जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीटेड कैंडिडेट ही चाहिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो। तो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो इसको भी यहाँ पे क्लियरली ये भी मेंशन कर दिया गया है तो आपको इसको भी आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे इन तीनों पोस्ट में से कोई भी एक पोस्ट के लिए यू कैन अप्लाई एज मच योर विश और जो भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन करना चाहते हो उनके लिए आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो।
अभी बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन करने के लिए जो अपडेट दिया गया है उसके बारे में, तो चलिए उसको भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए बेसिकली आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा, और यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए ऑनलाइन के लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो उनके लिए भी आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, जिसमें लिंक को क्लिक करके आप लोग आपका एप्लीकेशन भर सकते हो। इसके बाद आता है एप्लीकेशन करने के साथ साथ जो कि कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात किया जाए उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो एज क्राइटेरिया, एज रिलेक्शन जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कौन कौन सी पोजीशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एज रिलेक्शन क्या रहने वाला है। अगर कोई PWD कैंडिडेट एप्लीकेशन करना है उनके लिए भी यहाँ पर 10 ईयर्स तक एज रिलेक्शन आपको मिलता रहेगा। अभी बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कैंडिडेट को जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लियरली 750 रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन फ़ीस फॉर जनरल एंड OBC PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक सर्विस मैन के लिए, SC ST के लिए, माइनॉरिटीज बैकवर्ड क्लास के लिए 500 रुपीज़ तक आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको भरना होगा। और ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है आप लोग ऑनलाइन में एप्लीकेशन फ़ीस भर सकते हो, ऑफिशियली जो लिंक मैं नीचे दिया हुआ हूँ उसी लिंक पे जाके आप लोग आपका एप्लीकेशन फ़ीस भर सकते हो। और इसके साथ अभी आपको दिखाऊंगा सिलेबस की अगर बात किया जाए उसके लिए, तो फास्ट जो पोस्ट है यहाँ पे निकल के आया था जूनियर और टाइम कीपर के लिए, जिसमें जनरल अवेयरनेस के ऊपर सिंपल एग्ज़ाम होने वाला, जहाँ पे 100 मार्क्स के और 100 क्वेश्चन रहने, 90 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दिया गया है। ऑफिशियल लिंक के लिए मैं दे दूंगा, आप लोग अगर चाहते यहाँ पे अच्छे से चेकआउट कर लेना सिलेबस में क्या क्या रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग 100 मार्क्स के, 90 मिनट के जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर वेलफेयर ऑफिसर के लिए जनरल अवेयरनेस मैथमेटिक्स जनरल इंटेलिजेंस में आपको 100 मार्क्स के 90 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। तो ये था पूरा जानकारी। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, आपके पास आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को डिटेल्स आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के बाद आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो यही था आज की अपडेट। अगर पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए यहाँ पे ही ख़त्म करने वाला हूँ वीडियो। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।